कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे कि हम सोचते हैं कि कुछ ना करें, बी एट ईज़, एकदम आराम से पड़े रहें, कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, कोई हमें कुछ कहे ना। कभी भी ये मत सोचना कि वो हम अपने को अनप्रोडक्टिव बना रहे हैं। होता है लाइफ में कभी कभी, वो ये समझो आप इसके लिए नहीं होता है क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो या फिर आप कुछ गलत कर रहे हो। इट्स जस्ट योर बॉडी एंड माइंड नीड्स सम यू नो रेस्ट एंड रिजनरेशन। आपको कभी ना कभी ऐसा हालात आएंगे या ऐसा मेंटल सेटअप होगा आपका जब आपको लगे कि यार कुछ नहीं करना, चुपचाप पड़े रहो, कोई कुछ ना बोले, कोई हम किसी से कुछ ना बोले, हमारी लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करे, बहुत हुआ तो थोड़ा बहुत अपना सोशल मीडिया देख लिया, रील्स देख ली, एंटरटेनमेंट कर लिया, सारी दुनिया से दूर। चाहे तो कई लोग मेडिटेट करते हैं, चाहे कई लोग अपने में टाइम बिताते हैं, चाहे कोई अपनी हॉबी यूज़ करते हैं जैसे कि डांसिंग, चाहे पेंटिंग, चाहे कुछ, यानी कि वो अपना मी टाइम देना चाहते हैं। तो यू नो इट्स नथिंग बैड इन इट। इफ़ यू वॉन्ट टू बी अनप्रोडक्टिव फॉर अ वाइल, बी अनप्रोडक्टिव, क्योंकि वो जो अनप्रोडक्टिव काम का टाइम आपने लिया है ना, वो आगे आपको प्रोडक्टिविटी में एनहांसमेंट लाएगा। जैसे कि सपोज मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप बीमार हो, एक दिन आपको बुखार आए, तो ये नहीं कि उस बुखार में मर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नहीं, टेक रेस्ट। दैट मीन्स इट इज़ एन इंडिकेशन आपकी बॉडी का कि आपको रेस्ट चाहिए। यू टेक रेस्ट 1 or 2 days, उसके बाद आप काम करोगे, दुगनी फुर्ती से काम करोगे, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आपके होगा कि अरे इतना बैकलॉग है, हमें पूरा करना है। लेकिन वहीं अगर आपने उस एक दिन में भी और 2 दिन में भी आराम नहीं किया और अपने को स्ट्रेच करते रहे, जब आपकी बॉडी आपको इंडिकेशन दे रही है कि नहीं यू शुड रेस्ट, तो फिर क्या होगा ना, अगले 10-15 दिन भी आप ठीक नहीं होगे और आपका काम भी सही नहीं होगा और आप अपनी फिजिकल हेल्थ भी ख़राब करोगे, मेंटल हेल्थ भी ख़राब करोगे और अपना काम भी ख़राब करोगे। तो बॉडी के इंडिकेशन समझिए, अपनी मेंटल सेटअप समझिए और रेस्ट करिए जब ज़रूरत हो।